आज मामले यही हुए है कि आज एक लड़का का जिसका माँ बाप नहीं है, आज चाची ने गया था हाई स्कूल के पास और उसको उठाकर दिल्ली का जो भतीजा है भीमो बोलकर वो ले जाकर उसको बहुत ही ज़्यादा ही मार मार रहा है, जो कि उठने नहीं पा रहा था। तो हॉस्पिटल लेकर गए तो उन लड़कों को वहाँ से इलाज करा कर हम लोग उसके बाद आए हैं भाटपाड़ा थाना, यहाँ पर हम लोग एफ आई आर किए हैं। बड़ा बोले ठीक है, हम एक्शन ले रहे हैं। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? देखिए, प्रशासन से हम लोग एक ही मांग है कि जिस तरह वो लोग कर रहे हैं, जूली लोग, उसका भतीजा है, ये लोग बहुत ज़्यादा ही उपद्रव मचा के रखे हैं। जोन जोन जिले बेगुनाह लड़का लोग को मार रहे हैं, गाली गलौज मने जैसे चाह रहे हैं वो लोग वैसे कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन एक्शन ले इस चीज़ के लिए। काकीनाड़ा के 5 नंबर साइटिंग के निकट MD प्रिंस नामक युवक ने खुद पर हमले का लगाया आरोप। इस युवक का विराज भाई सिंह में चाय पीने जा रहे थे, साइड का चाय दुकान है जो मैदान के जो मोड़ है, जो स्कूल है उधर में, वहाँ पे भीम लोग आया है पकड़ के लेकर चल गया गिरते गिरते, और मैं क्लब में ले आके चोकर से मारा है, जो बाइक होता है उसका चोकर से, उसके बाद बाइक से यहाँ पे मारा है। उसके बाद क्या हुआ था, किस लिए मारा था, कोई झमेला हुआ था? नहीं, कोई झमेला नहीं, वो ब्लेड व्लेड मार दिया है, देखिए ना, कुछ बोल तो कुछ नहीं किए, अपने आप आगे धर लिया, बाइक धर के ले। कौन कौन मारा है, नाम क्या है? भीम मारा है, इल्लू मारा है, बिक्की मारा है, सोनू मारा है, 2 किलो का नाम है, इस्लाम पड़ा में रहता है। प्रशासन को जानकारी दिए हो? हाँ दिए, प्रशासन मेरा साथ में है कि बोलेगा सबसे मुश्किल में है। शाहजहाँ भाई के पास अपना जो दोनों गली में शाहजहाँ भाई रहते हैं, ठीक है भाई, नाम उन्हीं के पास गए थे तो वो आए लेकर खाना लेके आए, सब काम करवाए भाई मेरा। हाँ भाई मेरे संग में भाई आज नंबर 8 पर सबको लेके चलते हैं, पूरा हुआ कि कुछ भी मुसीबत होता है भाई के पास हम लोग लेके जाते हैं, कोई भाई भी हम लोग साथ देते हैं, मोहल्ला में कुछ भी झूठ झमेला आता है भाई से करते हैं, क्योंकि सबको मिलजुल कर रहने की भाई बोलते हैं, सब मिलजुल कर रहो, लेकिन सब जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा, भाई बोले तुम जाके एफआईआर करो थाना में, पुलिस कार्रवाई कर ला इसके लिए। हाँ इसीलिए हम लोग भाई के पास चल के गए थे कि हम लोग झूठ झमेला करने वाला लड़का नहीं, हम लोग काम धंधा करने वाला लड़का है, फिर अगर कुछ हो जाएगा आगे चल के का होगा, इसीलिए हम लोग थाना में आगे डायरी किए कि कल को होगा कुछ तो पुलिस FIR कर दिया, पुलिस कार्रवाई करेगा इसके लिए। शाहजहाँ भाई हम लोग को बोले कि कुछ झमेला मत करो बाबू, जाके तुम लोग डायरी करो, हम तुम लोगों का। आपका भाई के साथ क्या घटना घटा था? हमको पता नहीं है, हम तो घर पे सोए थे, हमारे यहाँ तुम लोग खबर किया तो भाई ने मारा, हम यहाँ पर आए हैं, देखे तो ऐसे सब बात है। अच्छा आप कहाँ पर थे उस समय? घर पर थे। अच्छा इससे पहले कोई क्या झूठ झमेला हुआ था क्या आप लोग? हमको नहीं पता, घर तो बहुत कमी रहता है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? आपका छोटा भाई है। देखिए धन का बड़ा अच्छा है, मन का बड़ा अच्छा नहीं है, अगर वो लोग इस तरह करेंगे तो फिर हम लोग पब्लिक सिटी पर उतर जाएंगे, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है प्रशासन इस चीज़ के लिए एक्शन ले। भाटपाड़ा से MD हुसैन की रिपोर्ट। সংস্কৃতিতে নিজের শিশুকে গুণবান তৈরি করতে বিশ্বস্ত ঠিকানা হলো নৈহাটির কলা নিকেতন। এখানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের প্রশিক্ষণের সাথে পাবেন এক্সিবিশনে প্রমোশনের সুযোগ। শুধু তাই নয়, আর্ট কলেজে প্রবেশ পাওয়ার জন্য আমরাই বিশ্বাসযোগ্য। সমস্ত রকম অঙ্কন শিক্ষা এবং অ্যাডভান্স প্রশিক্ষণের প্রদান করছেন 2022 সালে গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সম্পন্ন ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট রবি কুমার। সমস্ত বয়সের জন্য এই কলাকৃতি অর্জন করতে যোগাযোগ করুন কলা নিকেতন, 437 RBC রোড, নৈহাটি। যত্ন সহকারে স্কুল প্রজেক্টের জন্য যোগাযোগ করুন।